हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 5 प्रोडक्ट मेकअप। आपको जो मैंने मेकअप किया है, आपको अच्छा लग रहा है? फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी अच्छा मैंने मेकअप किया। इसमें सिर्फ मैंने 5 प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हैं, जो बहुत कम समय में और आपके अफोर्डेबल जितने भी मैंने चीज़ें लगाई हैं, आपको आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और मैंने अंडर टू 250 में ये मेकअप किया है। अंडर टू 250 में मैंने सारे मेकअप के सामान लिए हैं एंड फिर मैंने सबको स्टेप बाय स्टेप अपने पर अप्लाई किया है, जस्ट लाइक लिपस्टिक एंड आई शेड एंड काजल वगैरह। एंड देन फिर बस मैंने फाउंडेशन ही यूज़ किया है, नो कंसीलर एंड एनीथिंग नो मोर। बट मैंने सिर्फ 5 चीज़ में ही अपने मेकअप कंप्लीट किए हैं, जो काफ़ी अच्छा लुक ला दिया मेरे फेस पर। और ये बहुत फटाफट से ये मेकअप होता है बहुत कम समय में, और आपको मेरा मेकअप ज़रूर बहुत पसंद आएगा। आप मेरे मेकअप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पूरा देखिए और स्टेप बाय स्टेप करिए, तो पूरा लेट्स सी फ्रेंड्स कितना अच्छा लुक आया है। पूरा ऐसे ही लुक आपको भी आ जाएगा। और मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और इस तरह का मेकअप करिए, तो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप फटाफट से जाइए मार्केट और मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है लेकर आइए। मैं सब प्रोडक्ट से नाम एंड प्राइस वगैरह भी बता दिया आपको, तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल लगेगा मेरा ये मेकअप प्रोडक्ट और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर मेरा मेकअप और मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मुझे ज़्यादा मालूम होगा। फ्रेंड्स मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया एंड देन आपको पसंद आया कि नहीं, ये आपके ऊपर है, आप मुझे बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको नीड लगे कि आपको तुरंत कहीं जाना है रिसेंटली 5 मिनट्स में, तो आप मेरा ये मेकअप देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें एंड देन जैसे मैंने मेकअप किया है वैसे आप मेकअप करिए एंड आप फटाफट से कहीं भी जा सकते हैं और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। एंड अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स हम अब अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे एंड देन मैंने ले लिया फिटमी का 101 मेट फिनिश फाउंडेशन एंड देन इसको मैं अपने फेस में अप्लाई करूँगी। मैंने इसको हैंड में ले लिया है, जितना मुझे नीड लग रहा है, जितने मेरे फेस पे लगेगा। उसके बाद मैंने इसको अपने फेस में टैप टैप करके डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया है जस्ट फिंगर की हेल्प से एंड देन उसको पूरे फेस पे लगा के मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है एंड देन फिर मैंने उसको टैप टैप करके पूरे अपने चीक्स में, आई एरिया, अंडर आई एरिया एंड देन चिन वगैरह में एंड पूरे चीक्स में एंड देन पूरे नोज़ एंड पूरे फेस पर अच्छी तरह से टैप टैप करके अप्लाई कर देना है। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, ये मेट फिनिश एकदम मेट लुक देता है, ये वाटरप्रूफ है 100%। ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं फ्रेंड्स, ये मुझे ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिला। और फिर देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा हो गया। अब मैंने ले लिया लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट एंड देन मैंने इसको पूरे अपने फोरहेड पे एंड देन पूरे चीक पे एंड चिन पे एंड अंडर आई डार्क सर्कल जहाँ पे रहते वहाँ पे नोज़ एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लेना, जस्ट थोड़ा अच्छा लुक आ जाए फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी अच्छा है इसका कलर मेरे फेस के अकॉर्डिंग। मैंने ब्रश ले लिया है एंड जस्ट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने नोज़ कॉर्नर एंड पूरे अपने नेक पे एंड देन आइज़ के नीचे जहाँ पे ज़्यादा ब्लैक रहता है फ्रेंड्स, उधर थोड़ा अच्छे से अप्लाई करें ताकि आपका फेस ज़्यादा अच्छा लगे। एंड देन मैंने ले लिया है आई शेड न्यूड वाला हुदा ब्यूटी का, ये काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। मैंने 2 कलर ले लिया, एक मैरून और एक थोड़ा पीच टाइप का कलर है फ्रेंड्स। जस्ट मैंने उसको उठाकर अपने जो आई शेड ब्रश होता है ब्लेंड करने वाला उससे पूरा अप्लाई कर लिया है। मैंने अब क्रीज एरिया पे पूरा अपने उसमें अप्लाई किया आइज़ के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स जस्ट 2 कलर मैंने ले लिया, जो मुझे लगा कि मेरे ड्रेस पे काफ़ी जा रहा है तो मैंने उसको अप्लाई कर लिया एंड देन फिर मैंने उसमें थोड़ा स्मोकी लुक चाहा तो मैंने ले लिया ये काजल जो मेरे पास है, उसको मैं जस्ट कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी कुछ इस तरह से। ये है लैक्मे का एब्सोल्यूट काजल,
ये मेट लुक देता है, बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स। इसको जस्ट मैंने कॉर्नर कॉर्नर पे दोनों तरफ अप्लाई कर लिया है, एंड देन फिर मैंने आई शेड जो ब्रश है उससे इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। काफ़ी अच्छा लुक एंड स्मोकी लुक आ जाता है इसकी वजह से फ्रेंड्स। ये काफ़ी अच्छा है हमारे फेस के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। आप जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे आपको उतना अच्छा लुक मिलेगा। एंड देन देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा स्मोकी लुक आ गया है। और ये फटाफट सा कहीं पार्टी में जाना उसके लिए मेकअप है। एंड मैंने लोअर वाटर लाइन पे भी ये एब्सोल्यूट काजल को अप्लाई कर लिया है। ये 100% वाटरप्रूफ है। ये मानसून के लिए मैंने लाया है आपके लिए मेकअप, तो आप वाटरप्रूफ ही सब कुछ लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये मैंने हुदा ब्यूटी का आईलाइनर लिया हुआ है, इसको जस्ट मैंने अपने अपर आइज़ पर अप्लाई करना है कुछ इस तरह से विंग बना करके। एंड देन देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप अप्लाई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा आइज़ दिखने लगा है, जस्ट एकदम स्मोकी लुक वाला आइज़। एंड उसके ऊपर ये लाइनर क्या बहुत ही जच रहा है ना फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा मेरा आई शेड भी लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बराबर बराबर करके बहुत आराम से अपने आइज़ पर आईलाइनर लगा लीजिए। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा लगेगा। अब मैंने ले लिया है ये ब्लशर, ये मैक का ब्लशर है। ये काफ़ी पुराना हो चुका है तो इसमें थोड़ा नाम वगैरह नहीं फ्रेंड्स। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जस्ट मैंने इसको उठाकर अपने चीक पर जस्ट स्माइल करके इसको अप्लाई कर लिया कुछ इस तरह से। इससे काफ़ी अच्छा शाइन आ जाता है फ्रेंड्स हमारे फेस पर, काफ़ी अच्छा हमारा फेस हो जाता है। एंड जस्ट स्माइल करोगे तो और ही अच्छा होगा। हुदा ब्यूटी को मैंने ले लिया लिपस्टिक, एंड मैंने पहले से ही अपना लिप लाइन कर लिया था। एंड जस्ट मैंने ये देखिए कितना प्यारा कलर फ्रेंड्स, मेरे पास हुदा ब्यूटी के बहुत प्यारे प्यारे कलर है। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये मुझे 100 रुपीज़ में मिले थे। काफ़ी अच्छा है ये लिपस्टिक और मैट है एकदम फुली मैट। ये बहुत ही अच्छा कलर, देखो देखिए फ्रेंड्स मेरे ड्रेस पर कितना जा रहा है, लग रहा है ना अच्छा। ये देखिए मेरा लुक कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। देखिए मेरे आईज़ एंड पूरा लुक एंड मेरे इयर रिंग्स एंड मेरे हेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं।